हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लूसेंट फिजिक्स का चैप्टर 2, दैट इज़ मोशन। तो चलिए आज हम लोग फटाफट इसको देखते हैं। मोशन का पहला टॉपिक जो है वो है स्केलर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो है, मतलब कुछ वैल्यू तो है, मगर उसके कोई डायरेक्शन नहीं है। इसके एग्जाम्पल हैं मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर एंड एनर्जी। इन सभी चीज़ों में आप देख सकते हैं कि इसमें वैल्यू तो है लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अगला है व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, और एक और चीज़ है कि वो ट्राइंगल्स लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एंड टॉर्क, ये सभी चीज़ जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट लगता है ऐसा है कि वेक्टर क्वांटिटी है परंतु है नहीं। इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है, बट इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट ओबे द ट्राइंगल्स लॉ। ठीक है, उसका नोट कुछ करना है, इसमें नोट में लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। ये तीनों चीज़ जो है आपका टेंसर क्वांटिटीज़ में आता है, ये आपका ना तो स्केलर ना तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में। नेक्स्ट है डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। बोल रहा है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, जो कवर किया जाता है किसी भी बॉडी के माध्यम से या कोई भी बॉडी करता है एक टाइम इंटरवल के अंतराल में, तो उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस जो कवर करता है कोई बॉडी, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब क्या है? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए क्योंकि डिस्टेंस में आपका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वेयर एज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन जनरल, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब ये आप एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जो आपका जो डिस्टेंस होता है ना, ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा, या तो बराबर होगा या तो कम होगा। मतलब डिस्टेंस जो है कम नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा कम होगा, लेकिन जो डिस्टेंस है विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, विल नॉट बी लेस देन। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया, बस उतना ही देखना है, ध्यान देना है। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड का हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो स्पीड है ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड है, और जो वेलोसिटी है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते देखते हैं एक्सलरेशन। एक्सलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सलरेशन। मतलब एक्सलरेशन क्या है कि वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिगार्डिंग इज नोन एज एक्सलरेशन। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो जब हम लोग जो एक्सलेटर का जो हम लोग एक्सलेटर का जब बढ़ाते हैं, तो स्पीड क्या होता है, चेंज होता है। तो वही होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सलरेशन। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एंड इसका SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा इसका डायमेंशन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके,
उसके बाद चलते हैं कि ये तो हो गया आपका एक्सलेशन। एक होता है, एक पॉइंट है रिटार्डेशन, मतलब जब आप एक्सलेटर बढ़ा रहे तो एक्सलेशन में आया, और जब आप एक्सलेटर कम कर रहे हैं तो आपका रिटार्डेशन में आया। इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम देन एक्सलेशन इज नेगेटिव। जब वेलोसिटी क्या हो रहा है, आपका टाइम के रिस्पॉन्स में कम हो रहा है, तो एक्सलेशन क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, और उसको हम लोग रिटार्डेशन नाम से कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायरेक्शन। मोशंस के कुछ इक्वेशंस हैं जो कि वन डायमेंशन को फॉलो करते हैं, तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि मोशन मतलब कि आपका कुछ ये हो रहा है, मोशन आ रहा है शरीर में, या आपका डायनेमिक कुछ वैल्यू आ रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी। नेक्स्ट है आपका मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन। अब एक्सलेशन बराबर है तो उसका फॉर्मूला होगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये सब आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ये सब फैक्चुअल है, ये आपको याद करना पड़ेगा ये सब पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है, इसमें और फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज यू प्लस वी वाई टू टू द पावर टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन एवरेज वेलोसिटी, जब क्या होता है कि जब आपका मोशन हो रहा है उस समय आपका जो एक्सलेशन है वो आपका यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा है, तब जो एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा यू प्लस वी बाई टू। यू होता है आपका इनिशियल पॉइंट और वी होता है आपका फाइनल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, और ए तो जान ही रहे हैं कि एक्सलरेशन है, और एस इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है, टी है आपका टाइम। इस तरह से हम लोगों ने सारा कुछ ये देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ, कोई ऑब्जेक्ट कोई सामान अगर एक तरह का सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहा है, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, तो उस तरह के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक स्पीड से चल रहा है, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कल में चल रहा है प्लस यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप स्पीड है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सलेटेड मोशन। ये क्या है, एक बढ़ा हुआ मोशन है, एक्सलेटेड मोशन, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली थ्रू द मैग्नीट्यूड, दो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी दैट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है एक तरह का आपका एक्सलेटेड मोशन है। इससे क्या हो रहा है, क्यों, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो तो चेंज करते रहता है कंटिन्यूअसली, लेकिन जो आपका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो आपका चेंज नहीं होता है, दैट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड। अब हम लोग देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या हो रहा है, एक एंगल के माध्यम से आपको वेलोसिटी देखने को मिलेगा, मतलब द एंगल सबस्टेंडेड बाय द लाइन, द एंगल सबस्टेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द सर्कल इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एन एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज जनरली डिनोटेड बाय ओमेगा, ये आपका ओमेगा बोलते हैं, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ये होता है थीटा बाय टी, थीटा मतलब एक सर्किल का ये जो एंगल जो बन रहा है ये हो गया आपका थीटा, और टी मतलब कि इस एंगल को जो कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इफ टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, टी क्या हो रहा है, टाइम पीरियड हो रहा है, तो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, मतलब टाइम क्या हो रहा है, टाइम जो हो रहा है एक समय अंतराल है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिया हुआ टी, अगर आप पूरा घूमोगे तो हो सकता है कुछ और टाइम हो, ठीक है। एन क्या है, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, कितना आप सर्किल मार रहे हो 1 सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देन एक नया फॉर्मूला, एन टी इज इक्वल टू 1 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई एन, तो आप 1 बाई टी आप जान रहे हो, 1 बाई टी क्या होता है, एन होता है, एन इज इक्वल टू आपका फ्रीक्वेंसी होता है,
तो उस तरह से 2 पाई एन हो गया। इन वन रिवोल्यूशन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 2 पाई आर डिस्टेंस, मतलब एक रिवोल्यूशन हो जाता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। 2 पाई आर आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा ना कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और उसी तरह से लीनियर स्पीड होता है 2 पाई आर बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा आर। हम लोगों ने देखा ओमेगा क्या है, 2 पाई एन है, तो ओमेगा 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी हो गया ओमेगा, और एक आर एक्स्ट्रा है तो आर हो गया, तो ओमेगा आर हो गया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगुलर स्पीड ये हो गया इंटू रेडियस, तो लीनियर स्पीड का जो आपका वैल्यू हो जाएगा एंगुलर स्पीड इंटू रेडियस। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया मतलब लीनियर स्पीड वगैरह सब कुछ देख लिया। अब अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।